नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दो दिवसीय लोकतंत्र पर आयोजित शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में पीएम मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने लोकतांत्रिक देशों को अपने संविधानों में निहित मूल्यों को पूरा करने पर जोर दिया। बात करते हैं कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे की, तो इस हादसे में सीडीएस विपिन रावत के साथ ब्रिगेडियर एलएस लिट्ठर का भी निधन हो गया था। एलएस लिट्ठर का आज अंतिम संस्कार हो चुका है। उनकी बेटी और उनकी पत्नी ने उन्हें अंतिम विदाई दी। वहीं सीडीएस विपिन रावत का आज शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज देश भर में विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमें सभी के मानव अधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। इसके लिए असमानता और भेदभाव को समाप्त करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी अनुराग वाजपेयी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नए ओएसडी बन गए हैं। गुरुवार रात को कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जानते हैं अगली खबर। राजस्थान के शाहपुरा बॉर्डर से किसानों की अब घर वापसी होने लगी है। कल किसान आंदोलन खत्म करने का ऐलान हो गया था। इसके बाद आज से शाहपुरा बॉर्डर से किसानों के टेंट हटने लग गए हैं। जानते हैं अगली खबर। आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया। एक ट्रेलर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। जुड़े रहिए द एंगल के साथ।